Hello, 8th class students. Welcome to my class. Myself, Mrs. Rajni Bhatia. Square and square roots के बाद अब chapter करते हैं start. Cubes and cube roots. Chapter 6, cube and cube roots. जैसा कि आपको पता है, square होता है same number को अपने से multiply करना two times. Cube होता है number को three times same अपने आप से multiply करना. जैसे मुझे चाहिए 2 का cube, तो मैं उसको लिखूँगी 2 का क्यूब. अगर ऐसा होगा तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. इसका मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, टेल विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन. बिना इसका क्यूब निकाले आप सिर्फ ये बताइए कि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो वंस डिजिट क्या होगा. अब उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो नंबर आपको दिया है, टर्म आपको दी है, इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको तीन बार मल्टीप्लाई कर लीजिए. लुक एट दिस, 231 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास. तो इसका वंस डिजिट क्या है, वन. आप इसको वंस डिजिट विल बी वन, क्योंकि हम वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. जब क्यूब होगा तो सेम ये टर्म 231 इंटू 231 इंटू 231 होगी. तो हम जब थ्री टाइम्स इसका वंस डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो वो वन देगा. तो जब इसका क्यूब निकालेंगे तो उसका वंस डिजिट भी वन होगा. सेकेंड पार्ट है 4584. अब इसका वंस डिजिट देख लीजिए क्या है. वंस डिजिट है 4. 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. तो 64 पे फिर से अगेन देखिए वंस डिजिट क्या आ रहा है, 4. तो इसका जब हम करेंगे क्यूब तो वंस डिजिट विल बी 4. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, दिस इज 6259. वंस डिजिट क्या है, 9. 9 इंटू 9 इंटू 9. 9 9s are 81. 81 इंटू 9 करो तो आपको मिलेगा 729. तो लास्ट डिजिट वंस डिजिट क्या होगा, दैट विल बी 9. 105. 5 इंटू 5 इंटू 5. वंस प्लेस पे 5 है, उसको 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 125. 5 इंटू 5 25. 25 5s are 125. तो ये 5 हमारा वंस डिजिट आएगा जब हम इस पूरी टर्म का क्यूब निकालेंगे. पीछे जो मर्जी आंसर आए लेकिन उसका वंस पे डिजिट जो होगा वो 5 होगा. नेक्स्ट इज 17. 17 में 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 7 7s are 49. 49 7s are 343. 343 में वंस डिजिट क्या है, 3. तो वंस डिजिट इसका जब क्यूब किया जाएगा तो वंस डिजिट विल बी 3. नेक्स्ट इज 120. 0 तो 0 इंटू 0 इंटू 0 0, वंस डिजिट विल बी 0. सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि हमें पूरा क्यूब नहीं पूछा, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा. तो उस तरह से हम सिर्फ वंस वाले डिजिट को तीन बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उसका वंस प्लेस का डिजिट होगा दैट विल बी द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब. लुक एट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब कुछ नंबर्स ये आपको दिए हैं, इनका क्यूब फाइंड आउट करना है. क्यूब जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ, क्यूब क्या होता है, एक नंबर को सेम ही नंबर से तीन बार मल्टीप्लाई करना. तो देखिए लिखेंगे कैसे. फर्स्ट पार्ट है माइनस नाइन, तो क्यूब ऑफ माइनस नाइन मतलब माइनस नाइन का क्यूब. क्यूब होता है पावर थ्री. पावर थ्री का मतलब ये नाइन तीन बार मल्टीप्लाई होगा. माइनस नाइन इंटू माइनस नाइन इंटू माइनस नाइन. माइनस है तो माइनस सात चलेगा. अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस. माइनस को ऑड पावर है ना, तो आंसर में माइनस आएगा. जब माइनस को जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, दो टू पावर. इवन पावर तो हमारा क्या होता है, नाइन इंटू माइनस नाइन, मतलब माइनस नाइन इंटू माइनस नाइन 81. पॉजिटिव पावर हो जाती है. तो यहाँ क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब में क्या होगा, तीन बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है नाइन की विद नेगेटिव साइन, तो आंसर में नेगेटिव आएगा. 7 to 9, 9 into 9 81, 81 into 9, 729. कुछ नहीं करना क्यूब फाइंड आउट करने के लिए. जैसे 9 का क्यूब है तो तीन बार 9 को मल्टीप्लाई कर देना है. अब 16 का है, नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है. तो ये देखिए 16 into 16 into 16. लिखने का तरीका यही है, मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. लुक एट दिस थर्ड पार्ट, माइनस 14. तो माइनस 14 का क्यूब, माइनस 14 into माइनस 14 into माइनस 14. पहले 14 into 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर है उसको अगेन
14 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट नेगेटिव, क्योंकि जब तीन बार माइनस आया है तो माइनस आएगा आंसर में 2744. नेक्स्ट 1/13, तो 1/13 का क्यूब, अब 1 को भी क्यूब है और 13 को भी है, तो 1 × 1 × 1, 13 × 13 × 13, दिस विल गिव यू 1/2197. नेक्स्ट 8/7, सेम वे में हम इसको भी करेंगे, 8 × 8 × 8, 7 × 7 × 7. 2.4, 2.4 का क्यूब, दिस इज 2.4 × 2.4 × 2.4. सिंपली पहले आप 24 × 24 कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 24 कर लो, आपके पास आ जाएगा 13824. अब यहाँ से गिनो, ये 1, ये 2 और ये 3, तो आंसर में 3 डिजिट्स, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स, 1, 10, 100, 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना, क्योंकि हमारे पास 3 है ये, और सबका पॉइंट का डिजिट हमने काउंट करना है, 1, 2, 3. नेक्स्ट इज 0.002 क्यूब, ये लिखने का वे, दिस इनटू दिस इनटू दिस. अब 200 का तो कोई मतलब है नहीं, बट यहाँ पे मीनिंग है, क्योंकि पॉइंट के इधर जीरोस लगी हैं, तो पहले 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आ जाएगा. अब काउंट करो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 8 तो अकेला डिजिट है, 9 डिजिट्स कहाँ से बनाएं पूरे, 8 के साथ आप 8 जीरोस लगा देंगे इस तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 8, 9 डिजिट्स पूरे हो गए यहाँ पॉइंट. नेक्स्ट इज 9.9, 9.9 तीन बार मल्टीप्लाई. अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले 99 × 99, फिर × 99 कर लें, देन उसके बाद 1, 2 and 3, 3 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट पुट कर लोगे, इट विल गिव यू 970.299. पॉइंट को डेसिमल भी कहा जाता है, तो यू कैन से डेसिमल ऑल्सो. नेक्स्ट 1.01, तो 1.01 का क्यूब, ये लिखा. अब हमने 101 × 101 × 101 कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, तो दिस विल गिव यू 1.030301. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड. साइड आपको दी है क्यूब की, ये साइड्स ऑफ क्यूब गिवन है 5 पार्ट्स है, आपको इनका वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज साइड का क्यूब, यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग साइड, साइड कितनी है फर्स्ट पार्ट में, 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 = 64, और ये 3 बार सेंटीमीटर आया, 1, 2 and 3, तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लग जाएगी. वॉल्यूम में हमेशा मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब. जिस तरह से कि हम स्क्वायर में क्या एरिया में स्क्वायर यूज करते हैं, वॉल्यूम में हम क्यूब यूज करते हैं. साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आएगा, साइड का क्यूब सेम वे में आपने लिखना, 15 × 15 × 15, दिस विल गिव यू 3375 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट इज साइड इज इक्वल टू 17, तो वॉल्यूम क्या आएगा, साइड क्यूब 17 सेंटीमीटर का क्यूब, 17 सेंटीमीटर × 17 × 17. मल्टीप्लाई करोगे 17 × 17, जो उनका आंसर आएगा उसको 17 से अगेन मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट 4913 सेंटीमीटर क्यूब. फोर्थ पार्ट, साइड इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, मतलब 2.3 सेंटीमीटर का क्यूब, दिस विल गिव यू 2.3 × 2.3 × 2.3. अगर आप सबके साथ सेपरेट सेंटीमीटर नहीं लिखते तो लास्ट में एक सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर्स थे ये, तो दिस विल गिव यू 12.167. पहले आपने 23 × 23, आंसर को अगेन इंटू 23 कर लेना, फिर 1, 2 and 3, 3 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट पुट करेंगे. नेक्स्ट इज साइड इज इक्वल टू 7.2 मीटर्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, यानी कि 7.2 मीटर का क्यूब. जिस यूनिट में साइड दी होगी उसी यूनिट में हम वॉल्यूम लिखेंगे, तो 7.2 × 7.2 × 7.2, दिस विल गिव यू 373.248. 72 × 72, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 72, पहले पॉइंट को छोड़ के जो इसका आंसर आएगा उसको अगेन इंटू 72 कर लो, तो दिस विल गिव यू 373
248 फिर 1, 2 and 3 थ्री डिजिट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे और चूंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में है इसलिए आंसर में मीटर क्यूब आएगा। सिंपल आपने याद रखना है जिस यूनिट में साइड दी है उसी यूनिट में वॉल्यूम या एरिया निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वन डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 7 ये हमने अभी ऊपर भी किया जब 7 × 7 × 7 किया तो 7 × 7 × 7 दिस विल गिव यू 343 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। बी इज द राइट ऑप्शन। वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर हैविंग 2 एट वंस प्लेस कोई एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2 है आगे कुछ भी नंबर हो तो उसका वंस डिजिट क्या आएगा जब हम क्यूब निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 × 2 = 8 डी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 5 cm साइड कितनी है 5 cm तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा साइड का क्यूब यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई तो 5 × 5 × 5 दिस विल गिव यू 125 सो बी इज द राइट ऑप्शन। वंस डिजिट ऑफ द 1823 का क्यूब 3 × 3 × 3 वंस डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 3 = 9 × 3 = 27 तो फिर 7 आ गया सी इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 cm विल फॉर्म ए क्यूब ऑफ साइड 2 cm देखो जिस क्यूब की साइड 1 cm होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1 cm³। अब 2 cm³ की साइड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 × 2 = 8 cm³ तो हमें 8 ऐसे क्यूब्स चाहिए जो कि मिलके हमें दे डी इज द राइट ऑप्शन। What is the ones place of the digit in 6 × 6? 6 × 6 × 6 6 × 6 = 36 36 × 6 it will give you 216 तो 216 में 6 again ones place पे है तो D is the right option। With this exercise 6.1 is finished। I hope you have got it। Thank you so much for watching this video। Thanks a lot।